हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं बेहद खस्ता करारी कचौरियों की रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल मटर की कचौरी। हरे मटर से बनी ये कचौरियाँ बेहद टेस्टी और मज़ेदार होती हैं और बनाने में बहुत ही आसान होती हैं। तो चलिए इस चटपटी मज़ेदार करारी खस्ता कचौरियों को बनाना देखते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच साबुत धनिया। इन सभी मसालों को हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। जब इनमें हल्की हल्की से खुशबू आने लगेंगी तो इनको उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा करने के बाद इनको हमें ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लेना है। तो चलिए पीस के ले आते हैं। तो लीजिए, मसाले हमारे पीस गए हैं और ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, बहुत बारीक नहीं किया है। इसको किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। मसालों को थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे तो बढ़िया टेस्ट देगा। ये देखिए, थोड़ा सा मोटा ही रखा है। अब हम ले रहे हैं हरी मटर के दाने। तो यहाँ पे 1 कटोरी हरी मटर के हमने फ्रेश दाने लिए हैं। अब एक पैन में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच ऑयल और इन मटर के दानों को उसमें डाल देंगे। दानों को हमें थोड़ी देर के लिए सेक लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस तरह से सेक लेंगे तो इसमें का जो मॉइस्चर होगा निकल जाएगा, पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा और ये मटर के दाने पक भी जाएंगे। तो लीजिए, मटर पक गए हैं, इनको ठंडा कर लेना है। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, हम 3 हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक, धनिया की पत्ती ले लेंगे। मिर्ची को हम छोटे टुकड़ों में काट के लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। साथ ही में लहसुन की कली ले लेंगे और अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ढेर सारी ले लेंगे धनिया की पत्ती। सभी चीज़ों को हमने धो के पहले से रख दिया था और सर्दियों में बहुत अच्छी फ्रेश धनिया की पत्तियाँ मिल रही हैं, तो क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे। और अब इनको हम पीस लेंगे, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इनको हमें यूं ही ड्राई पीस लेना है, बिना पानी डाले पीसे हैं। तो ये देखिए, दरदरा सा पीसा है। अभी इसी जार में हम मटर के दानों को भी डाल देंगे। ये हल्के से ठंडे हो गए हैं अब और इनमें बिल्कुल भी हम नमी नहीं रह गई है। तो चलिए दानों को भी पीस के ले आते हैं। यहाँ लीजिए, मटर के दाने भी हमारे पीस गए हैं और इनको भी हमने थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। इसी तरीके से हमें दानों को पीसना है। अब इस सेम पैन में फिर से हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग। साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन्हें हमें थोड़ा सा पका लेना है ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस कुछ सेकेंड ही चलाना है। और ये लीजिए, हल्दी पक गई है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और जो हमने धनिया जीरा सौंफ पीस के रखा था दरदरा, उसे डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच खाने वाला सादा नमक और इन्हें थोड़ी देर के लिए हमें भून लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। मसालों को डालते समय फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा या फिर बंद कर दीजिएगा, वरना मसाले जल जाएंगे। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं बेसन। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हमने बेसन डाला है और इन्हें भी हमें मसालों के संग बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लेना है। जब बेसन भून जाएगा तो इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी। और यहाँ लीजिए, बेसन भी हमारा भून गया है मसालों के संग। अब इसमें हम डाल देंगे मटर के दानों को जो हमने पीस के रखा था। तो ये देखिए कितना ड्राई है, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। ध्यान रखिएगा, मटर के दानों को हमें दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बना देना है। तो सारे पेस्ट को डालने के बाद अब इन्हें हमें भून लेना है। मसालों के संग इनको हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है और बहुत ही बढ़िया से इसमें से खुशबू आने लगेगी। जब इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा, नमी नहीं रहेगी, तो फिर इन्हें आप आसानी से महीनों तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इन्हें रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और अब हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 कटोरी मैदा। आप चाहें तो 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लीजिए। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक और अब उसी कटोरी से नाप करके हम 1/2 कटोरी रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। आप चाहे तो घी भी मेल्ट करके ले सकते हैं, लेकिन हमें मैदे का 1/4 हिस्सा मोयन के लिए घी लेना है या फिर तेल लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ही लिया है। अभी हाथों से अच्छे से रगड़ते हुए मैदे और घी को बढ़िया से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए, इस तरह से रगड़ते हुए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसकी मोटी बना के देखेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मैदा हमारा बैंड हो रहा है, यानी कि मोयन परफेक्ट है। बहुत ही खस्तादार कचौरियाँ इससे बनेंगी। तो मोयन अच्छे से दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी कचौरियाँ खस्तादार बने।
अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें आटे को गूंथ लेना है, लेकिन इसको हमें सख्त नहीं गूंथना है बल्कि सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो उसी अंदाज से पानी डालिएगा कि हमें इसको पहले टाइट नहीं करना है, एक ही बार में अच्छे से पानी डालते हुए सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। अब इसको गूंथेंगे जिस तरह से हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। पानी का छींटा मारते जाएंगे और गूंथते जाएंगे, इससे बहुत ही नरम मुलायम हमारा ये मैदे का डो बन के तैयार होगा। तो यहाँ लीजिए, हमारा ये मैदे का डो बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब इसको ढक करके रख देंगे ताकि ये बढ़िया से फूल जाए और सेट हो जाए। दूसरी साइड जो हमारी ये फीलिंग थी मटर की, ये ठंडी हो चुकी है। ये देखिए हाथों से छूने लायक हो गई है। अब इसके हमें छोटे छोटे से बॉल बना लेने हैं इस तरह से। जब इसका हम बॉल बना के तैयार करते हैं और इसकी कचौरियाँ बनाते हैं, तो ये फीलिंग चारों तरफ कचौरियों में फैल जाती है और बनाने में बहुत आसान होती है, बिल्कुल भी फटती नहीं है। और इस तरह से बना करके हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप इन मटर के लड्डुओं को एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। इसे आप चाहे हफ्तों तक रखे रहिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और महीनों तक रखना चाहते हैं तो फ्रीजर में डाल दीजिए, महीनों तक चलेंगे। जब मर्जी तब इनकी कचौरियाँ बनाइए, फ्राई करिए और इन्जॉय करिए। तो ये लीजिए, सारे हमारी मटर की लड्डू बन गई हैं और दूसरी साइड जो हमने आटा लगा के रखा था वो भी बढ़िया से सेट हो गया है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा हम निकाल लेंगे डो और इसकी बॉल बनाएंगे। तो जितना बड़ा हमने हरी मटर का बॉल बनाया था ना, उससे थोड़ा सा इसको हमें बड़ा बनाना है। ज़्यादा बड़ा नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ये देखिए अब इसकी हमें चकली बना लेनी है। तो चारों उंगलियों को नीचे रखते हुए दोनों हाथों से घुमाते हुए हम कटोरी नुमा उसकी चकली बनाएंगे और बीच में इस हरी मटर वाले लड्डू को रखेंगे और इस तरह से किनारों से खींचते हुए मैदे को आगे बढ़ाते जाएंगे। और इसको अब हमें ऊपर से सील कर लेना है, अच्छे से बंद करेंगे ताकि फ्राई करते समय खुले नहीं। तो थोड़ी देर इसको इसी तरह से घुमाएंगे, ये देखिए बढ़िया से आपस में चिपक जाएगी। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करना है हमें, तो गोल करेंगे और दबाते हुए प्रेस कर लेंगे। अभी हथेलियों की मदद से इसको घुमा घुमा के पहले हमें बीच में दबाना है, ताकि फीलिंग पहले बीच में दबे, उसके बाद इसको दोनों साइड से दबाते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो ये लीजिए बिना बेले बिना फटे ये हमारी कचौरी बन के तैयार है। साइज़ देख लीजिए इसकी। अब इसी तरीके से बाकी की भी कचौरियों को बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा डो लेंगे और इसकी पहले बॉल बनाएंगे। चकली बना के तैयार करेंगे और इसको हाथों से इस तरह से खींचेंगे। अगर आपको गोल कटोरी नुमा चकली बनाने नहीं आती है तो बस इसको इस तरह से हाथों से खींचते हुए फैला लीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप इस पर फीलिंग रखेंगे और इस तरह से देखिए बंद करेंगे। इस तरह से सब तरफ से घुमाएंगे और ऊपर से सबको मिला देंगे। यहाँ ऊपर हमें अच्छे से इसको लॉक करना है। ये देखिए लॉक हो गया। हल्का सा प्रेस करेंगे और हथेलियों से दबाते हुए बड़ा कर लेंगे। और तीसरा तरीका ये है कि चकला लीजिए, उस पर पहले इस तरह से गोल गोल चकली बना लीजिए। अब इसको चकले पे ही हम खींचते हुए फैला लेंगे। ये देखिए मैदा हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है। अब बीच में रखेंगे मटर वाला जो हमारा ये लड्डू है और इस तरह से बिना चकले से उठाए हुए चारों तरफ से इसको बंद कर लेंगे। अब फिर से घुमाएंगे और चाहे तो चकले पे रख के ही घुमा लीजिए और फिर हाथों से दबाते हुए इसको हमें फैला लेना है। लीजिए बिना बेले इसी तरीके से कचौरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। चाहे तो आप बेलन से हल्का सा बेल भी सकते हैं और चाहे तो बिना बेले इस तरह से फैला करके बना लीजिए। तो यहाँ लीजिए हमने 4-5 कचौरियाँ बना ली हैं और जो बचे हुए लड्डू थे हमारे मटर के उनको हम स्टोर करके रख देंगे। 2 से 4 दिन के बाद भी बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इन्हें हम फ्रिज में रखेंगे। अब इन्हें फ्राई करना है तो ऑयल को गर्म करेंगे बिल्कुल लो, मतलब हल्का हल्का सा बिल्कुल गर्म करेंगे, तेज़ नहीं गर्म करना है। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है और धीमी आँच पर फ्राई करना है। तो एक बार पहले जितनी कचौरी आएँगी उतनी डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई होने देंगे। अब इनको बिल्कुल भी हमें छूना नहीं है,
थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद तैरते हुए ऊपर आ जाएंगी। जब एक बार ये तैरते हुए ऊपर आ जाएंगी और फूल जाएंगी तब इनको हम पलटेंगे। तो ये देखिए जब ये तैरते हुए ऊपर आती हैं तो खुद ब खुद फूल जाती हैं, इसके बाद इन्हें हमें पलट देना है। तो देखिए नीचे की साइड से भी ये हल्की हल्की सी हो गई हैं, अब इन्हें हमें पलट देना है और थोड़ी देर के बाद फिर हम दूसरी साइड से इनको पलट देंगे। ये देखिए अब दूसरी साइड से भी ये थोड़ी थोड़ी सी हो गई हैं। इन्हें हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे धीमे धीमे आंच पे थोड़ी थोड़ी देर पे उलटते पलटते हुए फ्राई करना है। जब इनको हम धीमी आंच पे फ्राई करते हैं तभी इनमें खस्तापन आता है। तो जब भी आपको लगे कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है तो फ्लेम ऑफ कर दीजिए थोड़ा देर। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो फिर से फ्लेम ऑन कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए अब कचौरियों में बढ़िया सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। जब कचौरियों में बढ़िया सा कलर आ जाएगा तब इनको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल गुब्बारे जैसी फूली फूली खस्ता करारी कचौरियाँ बनके तैयार हैं, बेहद करारी और खस्तेदार बनी हैं। और ये देखिए कितनी फूली हैं, अंदर से देखिए पूरी फिलिंग से भरी हुई हैं। और जब इनको हम तोड़ते हैं तो ये देखिए बहुत सारी इनमें परतें नज़र आएंगी आपको, एकदम ऊपर से खस्तादार हैं। अब इन कचौरी के ऊपर हम लगा रहे हैं हरी वाली चटनी और अब लगाएंगे मीठी वाली चटनी। ऊपर से थोड़ी सी डालेंगे भुजिया सेव। तो ये लीजिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार ये हमारी खस्ता कचौरी बनके तैयार है। इन कचौरियों को आप घर में बनाइए, बहुत आपको पसंद आएगा और इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। बस छोटी छोटी सी ट्रिक है, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया मार्केट से भी अच्छी आपकी कचौरी बनके तैयार होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।